क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हेलो एंड वेलकम टू डी डी क्लासेज। एंड टूडेज वीडियो क्लास वी विल सोल्व है ना, आज की वीडियो क्लास में हम सोल्व करेंगे 8th क्लास मैथ्स है ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे ना आपसे क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चंस आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। ओके, तो ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 8th क्लास मैथ्स आस्क्ड लास्ट ईयर। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सोल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं और सारे ही क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे आपके जो क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछे जाएंगे और क्या लेवल रहता है क्वेश्चनों का, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगोन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। कितने डिग्री है? 45 डिग्री। ओके, क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स है ना, नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगोन गिवन है यहाँ पे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हैज़ मेजर, एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल हम जो मेजर करते हैं वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगोन कितना रहता है भाई? 360 डिग्री रहता है। कितना? 360 डिग्री। उनका सब सम करेंगे ना एक्सटीरियर एंगल्स का, तो 360 डिग्री। मेजर ऑफ द इच एक्सटीरियर एंगल को हम कितनी डिग्री से मेजर कर रहे हैं? 45 डिग्री से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो क्या करोगे, 360 डिग्री को 45 डिग्री से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। 360 एंड 45 है ना, 45 से 360 डिग्री को डिवाइड करोगे, सो वी विल गेट 8 है ना, 8 आ जाएगा हमारा जो करेक्ट आंसर है। देयर फोर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगोन कितने हो जाएंगे? 8 साइड्स हो जाएंगे। ओके, डायरेक्ट आप कैसे डिवाइड करो, या तो 9 के टेबल में डिविजिबल है, 36 भी डिविजिबल है, 45 भी डिविजिबल है, ठीक है। पहले 9 से 36 को डिवाइड करोगे 4, ठीक है। 9 से 45 को डिवाइड करोगे 5, ठीक है। इससे 40 को 5 से डिवाइड करोगे सो 8। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, काफ़ी आसान से क्वेश्चन आते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेजर्स टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इन रेशो, ठीक है। एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के रेशो में गिवन है 2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की जो एंगल्स है वो हमें मेजर करना है, फाइंड करके बताना है। ओके, लेट द टू एडजेसेंट एंगल्स ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी विच आर इन द रेशो, कौन से रेशो में गिवन है? 2:3 में गिवन है। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या लेट कर लोगे? 2x। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू 3x। ओके, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आप यू नो कि सप्लीमेंट्री एंगल जो उनका सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल का 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ एंगल ए की जगह आप वैल्यू पुट करोगे 2x, एंगल बी की जगह वैल्यू आप पुट करोगे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये जो 5 है एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में है, देन हम ट्रांसफर करेंगे सो वी विल गेट डिवाइड में, हम ट्रांसफर करेंगे सो डिवाइड में जाएगी वैल्यू, ठीक है। 180 डिग्री डिवाइड 5, ओके 5 से इसको डिवाइड करोगे सो 5 3 15, ठीक है। 5 3 15 बचा कितना? 6। तो एक्स इज इक्वल टू वी विल गेट 36 डिग्री। ओके, एक्स इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, ठीक है, अब यहाँ पुट करोगे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 36 डिग्री है ना। सो 2x के एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है भाई? 36 रखना है। 2 × 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री है ना, 72 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। अब 3x है तो एक्स की जगह पे एक्स 3 × 36, सो वी विल गेट 108 डिग्री है ना। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर, अपोजिट एंगल्स हम पैरेललोग्राम के जो है इक्वली मेजर करेंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए 72 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी 108, ओके 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए 72 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए 72 डिग्री, एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी 108 डिग्री है ना। सो देयरफॉर एंगल ए कितना हो जाएगा? 72 डिग्री, एंगल बी कितना? 108, एंगल डी भी क्योंकि इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम आर इक्वली मेजर है ना, अपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम के हम इक्वली मेजर करेंगे, दैट्स इट। ओके, सो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 729 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। इस क्वेश्चन को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि हम जैसे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 टाइम इसको हम डिवाइड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 2 6 है ना, 1 बचा, 3 4 12, 3 3 9, 243 आया। देन उसके बाद में 3 से 24 को 243 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 3 के टेबल में 24, 8 टाइम्स में, ओके 3 1 जा 3, ठीक है, 81। 81 को अगेन हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, 3 2 जा 6, 2 21, 7, 7 टाइम्स, 3 से 27 को 9 टाइम्स में, एंड 3 से 9 को 3 टाइम्स में, ठीक है, 3 एंड 3 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया इसके? कितने
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, सिक्स थ्री थ्री से कंप्लीट ये डिविजिबल है, ठीक है। सो ऐसे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब बताना है कि फाइंड द स्क्वेयर रूट, हमें स्क्वेयर रूट बताना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, देन बताना है कि ये रूट किसका है ना। सो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, टू टू का पेयर बनाएंगे, टू 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 थ्री पेयर्स बनेंगे है ना। सो 729 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3। ओके, यहाँ से एक कॉमन लिया, एक पेयर से 3 कॉमन लिया, अगेन सेकेंड पेयर से 3 कॉमन लिया, अगेन थर्ड पेयर से 3 कॉमन लिया, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 27 का है। ओके, सो ऐसे करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब फोर्थ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय 256 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। ओके, परफेक्ट क्यूब हमें प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर के साथ हमें परफेक्ट क्यूब क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए है ना। सो इसको भी हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है। 256 है ना, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्टली आप इसको 2 से क्या करोगे, फैक्टर करोगे ना, इसके फैक्टर करने, 2 1 जा 2, 1 टाइम में 2 2 जा 4, 1 16 8, 2 से करो 6 4, 2 से डिवाइड करो 32, 2 से डिवाइड करो 16, एंड 16 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4, 2 से 4 को डिवाइड करो 2, एंड 2 से 2 को डिवाइड करो 1, ठीक है। सो हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स में ये कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाएगा है ना, प्राइम फैक्टर करके। अब देन हमें क्या, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट है कि अब परफेक्ट क्यूब है ना, एक क्या मिलना चाहिए, परफेक्ट क्यूब, क्यूब यानी कि हमें 3 3 के पेयर से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेयर बना 3 3 का, यहाँ पे अगेन एक पेयर बना, लेकिन यहाँ पे 2 ही बन रहा है ना, 2 का पेयर बन रहा है ना। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 2 इज नॉट ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स है ना। सो यहाँ से हम 2 तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम अगेन 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं ले सकते, जो लास्ट पेयर बन रहा है ना वहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए। सो ये क्या होगा, हम लिख देंगे कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ टू, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ टू इज नॉट नॉट ग्रुप ऑफ ट्रिपल, नॉट ग्रुप ऑफ ट्रिपल, क्या लिखोगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ टू इज नॉट ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स है ना, ट्रिपल्स का ग्रुप नहीं है। ओके, सो ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ना। एंड कन्वर्ट कन्वर्ट्स द रेशो, रेशो यहाँ पे गिवन है 2:5 to परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो 2:5 है, क्या करोगे, 2/5 करो, डायरेक्ट कर दो इसको है ना, 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, 2/5 × 100, 5 से 100 को डिवाइड करो, 5 2 जा 10 0, यहाँ क्या मिला, अब 2 का मल्टीप्लाई 20 से करोगे 40, ठीक है, 40/40, तो 40% आ गया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40%। एंड क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आर एस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 12,605 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ, रेट क्या है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। सो इसका एक फॉर्मूला है जिसमें प्रिंसिपल हमें गिवन है 12,600, रेट हमें गिवन है 10%, टी हमें गिवन है टाइम 2 ईयर्स, ठीक है, अमाउंट पी, इसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू अमाउंट पी प्रिंसिपल 1 + 10 / रेट, रेट ठीक है, आर बाई एन है ना, आर बाई एन, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट / 100 की पावर n। ओके, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हमें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट, रेट की वैल्यू 10% / 100 पूरे का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे, 12,600 पी की जगह पे अपने वैल्यू पुट किया 1 + 10/100 का होल स्क्वायर। ओके, 12,600 × इसको कैसे सॉल्व करोगे, ओके, 1 + 10/100 है, ठीक है, ओके, इस 0 से 0 कैंसिल करोगे, 10 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 10 है ना, 10 1 जा 10, 10 में 1 + करोगे 11, सो 11/10 है ना, 11/10 हो जाएगा। देन उसके बाद स्क्वेयर लगाए, इसलिए हम इसको कैसे राइट करेंगे, 11/10 × 11/10 × 12,600 है ना, ऐसे आपको राइट करना है। देन ऐसे करने के बाद 12,600 × 11/10 × 11/10, ठीक है, सो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड 126 × 11 करोगे, फिर अगेन 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन वी विल गेट 15,260 रुपीज़, ठीक है, इतने पैसे हमें मिल जाएंगे है ना, 15,246। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे, 15,000 अमाउंट हमारे पास निकल गया है 15,256, और प्रिंसिपल हमें गिवन है 12,600, इन यहाँ से माइनस करोगे, सो वी विल गेट 2,646 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ है ना,
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 - 2x एंड 3 + x है ना, इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो 15, 5 का मल्टीप्लाई ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है 2x * 3 + x, ठीक है। सो पहले 5 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, 3 के साथ करोगे, देन 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे, ओके। सो 5x एंड -2x का मल्टीप्लाई 3x के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, सो -6x एंड -2x का मल्टीप्लाई +x के साथ करोगे, देन वी विल गेट -2x² ओके। प्लस माइनस एम 15 हैज इट इज, प्लस एंड माइनस तो माइनस करो 1x ओके, -2x², ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा 15 - 1x - 2x², ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है। एंड क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द रेडियस है ना, एक क्लोज सिलेंडर है ऑफ द रेडियस, इसकी रेडियस कितनी गिवन है, 7 मीटर एंड हाइट कितनी है, 3 मीटर। मेड फ्रॉम द सीट ऑफ मेटल से बना, हाउ मच सीट ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड है ना, तो मेटल सीट हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी, ओके। सो ये बताना है ना, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि रेडियस है ना, अब रेडियस हमें गिवन है 7 मीटर, हाइट हमें गिवन है 3 मीटर, ठीक है। रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, ओके। सो सीट मेक द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, टोटल सरफेस एरिया TSA क्या होता है सिलेंडर का, 2πr r+h होता है, ओके। 2πr r+h होता है, ओके। 2 × π की वैल्यू 22/7, r हमें गिवन है 7 + 7 प्लस हाइट भी गिवन है 3, ओके। 7 से 7 कैंसिल करो, डायरेक्ट कैंसिल कर दो 10। अब 7 + 3 10 10, ओके। 7 + 3 10, 2 + 22/7 × 7 7 + 3 m², ओके। ये कितना हो गया, 7 से 7 यहाँ कैंसिल करो, 2 × 22 × 10 10 m². इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 22 × 44 44 × 10 m² है ना। जब 10 का मल्टीप्लाई करना होता है तो काफ़ी सिंपल होता है, 440 m² करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेटल सीट टू मेक द टैंक है ना, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द मेटल सीट टू मेक द टैंक, टैंक को बनाने के लिए 440 m² सीट की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके।